और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। दोपहर 12:15 बजे का वो समय होगा जब भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। भजनलाल के साथ राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर है आज, चूंकि इससे पहले देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, राजस्थान की अब बारी है। आज बताया जा रहा है 12:15 बजे का वो समय होगा जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे, साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे ही भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया, यानी कि विधायक दल की बैठक में सीएम के लिए ऐलान किया गया, वैसे ही हर कोई वहां पर चौंक गया था। भजनलाल को सीएम बनने के कोई भी कयास नहीं लगा रहा था। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि भजनलाल शर्मा के सरपंच बनने से सीएम बनने तक का सफर कैसा है। शुरुआत करते हैं, भजनलाल शर्मा 27 साल की उम्र में भरतपुर के अटारी गांव के सरपंच बन गए थे। भजनलाल 2 बार अटारी गांव के सरपंच चुने गए। साल 2003 का वो वक्त था जब भजनलाल ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो उस वक्त हार गए थे। यहां तक कि उनकी जमानत तक भी जब्त हो गई थी। साल 2016 से, यानी लगातार 7 साल से बीजेपी के वो प्रदेश महामंत्री है। भजनलाल ने 2023 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता है और पार्टी ने अब सीएम पद के लिए उन्हें नामित कर दिया है, जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इसी पर सबकी नजरें हैं और इसीलिए बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बा सरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल, इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व, सिर्फ News18 India पर। हमारे देश करीब 1.5 साल पहले बनाया था। जांच के दौरान इस बात का भी पता चला कि घटना वाले दिन चारों गुरुग्राम से आरोपी ललित के साथ ही दिल्ली आए थे और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इंडिया गेट के पास सभी को कलर स्प्रे बांटे गए थे। जांच के दौरान इस बात का पता चला कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे और करीब 1.5 साल पहले इस घटना को अंजाम देने के सिलसिले में कर्नाटक के मैसूरु में मिले भी थे। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला आरोपी अमोल शिंदे अपने साथ कलर स्प्रे लेकर आया था। उसने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से करीब 1200 रुपए में रंगीन धुआं फेंकने वाले 5 कलर स्प्रे लिए थे और उसी कलर स्प्रे का इस्तेमाल आरोपियों ने संसद के अंदर और बाहर किया था। और सूत्रों के मुताबिक इस घटना से 3 दिन पहले, यानी 10 दिसंबर को, सभी आरोपी अपने अपने राज्यों से दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम पहुंचे थे। इसके बाद आरोपियों ने संसद के बाहर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की रेकी भी की।